हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक खाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दम आलू, वो भी कश्मीरी स्टाइल में। कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए आधा किलो छोटे आलू लेंगे और इन्हें पानी में डालकर हाथ से रगड़ के अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि इन पर लगी मिट्टी बिल्कुल साफ़ हो जाए। अब एक सीटी लगा कर इन्हें उबाल लेते हैं। जब तक आलू उबलेंगे तब तक हम मसाला भी तैयार कर लेंगे। 10 से 15 काजू लेते हैं और इन्हें 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रख देते हैं। अब ग्रेवी के लिए खड़े मसाले लेते हैं और इन्हें रोस्ट कर लेंगे। इन मसालों से हमारी जो आलू दम की ग्रेवी बनेगी वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। खड़े मसालों में हम लेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 2 लौंग लेंगे, 3 हरी इलायची और 8-10 काली मिर्चें और थोड़ी सी दालचीनी। अब मसालों को रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम लो पर रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी और बस इनकी खुशबू आने तक ही इन्हें रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट भी नहीं करना है। हमारे मसालों में से अब खुशबू आने लगी है। अब इन्हें कूट के साइड रख लेते हैं। अब हम बना के रखेंगे काजू का पेस्ट। जो काजू हमने पहले भिगो के रखे हुए थे उन काजू को निकाल लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के उन्हें पीस लेते हैं। ये हमारे काजू पीस चुके हैं। अब मैं रोस्ट किए हुए मसालों को काजू के पेस्ट में डाल के और पीसूँगी, जिससे ये मसाले और काजू अच्छे तरह से पीस जाएंगे और एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। काजू और मसालों का पेस्ट बनके तैयार हो गया है। इसे रखते हैं साइड में और 200 ग्राम दही लेकर उसे मथ लेते हैं। मैं इसे हाथ से मथ रही हूँ, आप चाहें तो इसे मिक्सी में ब्लेंड कर सकते हैं। अब इस दही में हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर। 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्चें डालेंगे। कश्मीरी मिर्चें तीखी नहीं होती, हम इन्हें कलर के लिए डाल रहे हैं। अब इन मिर्चों को दही में मिक्स कर लेते हैं और मिला के इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। बाद में हमें इसे ग्रेवी में डालना है। अब हम ग्रेवी के लिए बनाएंगे टमाटर की प्यूरी। प्यूरी के लिए मैंने लिए 3 सामान्य आकार के टमाटर। टमाटर मैंने मुंबई वाले लिए हैं। इन टमाटर में खटास नहीं होती है इसलिए मैंने इन्हें लिया है। क्योंकि हम ग्रेवी के लिए दही यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैं गोल टमाटर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि गोल टमाटर खट्टा होता है। अब हमारी दम आलू की ग्रेवी का मसाला वगैरह तो सब तैयार हो गया है और आलू भी उबल गए हैं। इन्हें भी अब छील लेते हैं और छील के इनको फोर्क से थोड़ा थोड़ा गोद लेंगे। इस तरह एक एक आलू को उठा के गोदते जाएंगे और जो आलू टूटे हुए से हैं उन आलुओं में छेद नहीं करेंगे, उन्हें ऐसे ही तल लेंगे। अब आलू को तलेंगे और इन्हें तलने के लिए 1.5 बड़ा चम्मच तेल ले लेते हैं। अब फ्लेम को पहले हाई करके तेल गर्म करेंगे, फिर मीडियम करके आलूओं को तलना शुरू करेंगे। धीरे धीरे सावधानी से आलूओं को तेल में डालेंगे और तलेंगे। बीच बीच में चम्मच को चलाते रहेंगे और चम्मच को बहुत आराम से चलाना है, नहीं तो आलू टूट सकते हैं। हम इन्हें लाइट ब्राउन कलर होने तक तलेंगे। मैंने ये 1/2 किलो आलू लिए थे और आधा आधा करके मैंने 2 बैच में तलूंगी। आलू का कलर अब लाइट ब्राउन आ चुका है। अब इन्हें कढ़ाई से निकाल लेते हैं। चलिए, आलू का एक बैच तो हमारा तल के तैयार हो गया है। अब दूसरा बैच भी तल लेते हैं। आलू के तलने के बाद बचे हुए तेल में हम ग्रेवी बना लेंगे। तेल का टेम्परेचर बहुत हाई है, इसका टेम्परेचर पहले कम कर लेते हैं। इसके लिए गैस को सिम कर लेते हैं। अब तेल में डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब इसमें टमाटर डाल के थोड़ी देर भूनेंगे। टमाटरों के भून जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे काजू और मसालों का पेस्ट, जो हमने पहले से तैयार किया हुआ है। जार में लगे हुए पेस्ट को भी हम पानी से धो के इसमें डाल लेते हैं। अब काजू के पेस्ट को लगभग 5 मिनट तक भूनेंगे। काजू के पेस्ट को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम वो पेस्ट डालेंगे जो हमने दही और कश्मीरी मिर्च पाउडर का मिला के बनाया था, और उसे भी भून लेते हैं। दही के पेस्ट को डालने के बाद चम्मच को जल्दी जल्दी चलाना है
नहीं तो दही फट जाएगा। एक टीस्पून इसमें नमक भी डालेंगे। अब ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे ताकि दही प्रॉपरली पक जाए और ग्रेवी का कलर भी अच्छा सा आ जाए। आप देख सकते हैं कि दही ग्रेवी में अच्छे से पक गई है और ग्रेवी का कलर भी थोड़ा और रेड हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे आलू। आलूओं को मसाले में डाल के भूनेंगे और चम्मच धीरे धीरे चलाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना, नहीं तो आलू टूट जाएंगे। अभी हमें आलूओं को गलाना भी है तो 15 मिनट के लिए कढ़ाई को ढक देते हैं और आलूओं को गलने देते हैं। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, अब मैं ढक्कन खोल लेती हूँ। आप देख सकते हैं ग्रेवी पर तेल ऊपर आ चुका है और आलू भी गल चुके हैं। दम आलू हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर, मज़ेदार और टेस्टी लग रहे हैं। इनमें इतने सारे मसाले डले हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। और अब हम इसमें धनिया भी डाल देते हैं, खूब सारा धनिया डालेंगे। धनिया के फ्लेवर से टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। चलिए देर न करते हुए अब हम अपने स्वादिष्ट मज़ेदार दम आलू की ग्रेवी को अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं और टेस्ट करते हैं ये कैसे बने हैं। इन्हें देख के मुंह में पानी आ रहा है ना। तो अब बताइए फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी है दम आलू की कश्मीरी तड़का वाली रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पौष्टिक खाना को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और लाइक भी करके जाइएगा। अब मैं चलती हूँ। मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।